अमेठी में बीते 5 दिसंबर को सांसद स्मृति ईरानी ने किया था बस स्टॉप जनता के हवाले मंच से किया था संबोधन। बता दें कि मंत्री के दौरे के बाद से शौचालय में लटक रहा ताला उद्घाटन से पहले आती थी कहीं बस, किंतु अब बसों की राह देख रहा बस स्टॉप। महिला समेत मुसाफिर करते हैं इंतजार, तिलोई बस स्टॉप न आकर मोहनगंज से सीधे रायबरेली अयोध्या के लिए निकल जाती हैं बसें। स्थानीय लोगों दुकानदारों ने बताई इसे गंभीर समस्या। क्षेत्र जनप्रतिनिधि अधिकारियों से शौचालय का ताला खुलवाने व पहले से चल रही बसों को तिलोई बस स्टॉप पर पहुंचने की उठाई थी मांग। दिल्ली सेवा सहित गौरीगंज मुख्यालय जाने वाली बस की राह देखते जा रहे थे मुसाफिर। आपका और कहां के लिए तैयारी किए हैं आप? सर मेरा नाम मोहिनी है, मैं यहां पे बस का इंतजार कर रही हूं। और सर यहां पे मैं देख रही हूं कि सुविधाएं कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है, जैसे टॉयलेट है बसों इसमें ताला लगा हुआ है, ये खुला होना चाहिए क्योंकि यात्रीगण जो यहां पे बैठते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो सांस के लिए कहां पे जाए। महिला हैं आप और ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए सबसे परेशानी है। सांसद जी ने अभी उद्घाटन किया था इसका और आप लोगों को सौगात में दिया है ये बस स्टॉप। जी जी जी, तो किया तो है, अच्छी बात है, बट ये जो सुविधाएं करवाए हैं ये अवेलेबल होनी चाहिए ना, बंद क्यों है ये? नाम है आपका और आपके घर के पास में ये बस स्टॉप है, जब से बस स्टॉप बना है तब से कितनी बसें आ रही, किस तरीके की व्यवस्था है सांसद जी के उद्घाटन के बाद से? सर मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी बस स्टॉप के बगल में मेरा मकान है। और अभी हाल ही में 5 तारीख को माननीय सांसद जी और विधायक जी ने इस बस स्टॉप का लोकार्पण किया है। बस स्टॉप बहुत अच्छा बना है। हाँ रही बात बस की कंडीशन की, बस आ नहीं रही है, हाँ ये बात मैंने कई लोगों को सुना है कि पहले जो बस आया करती थी नहीं आ रही है, उन्हें आना चाहिए, उन्हें इस रूट पे लाना चाहिए। 2-3 चीज़ें और हैं, दूसरी बात यह है यहाँ पे एक चौकीदार मैंने सुना था यहाँ पर है उसकी ड्यूटी, पर आप देखेंगे तो ताला लगा है, अभी ड्यूटी में भी नहीं है। तीसरी बात यह है शौचालय, जिसके लिए मेनली यही प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ के लोगों की, औरतों को बहुत दिक्कत होती थी शौच करने के लिए, तो शौचालय बन गया है पर शौचालय में ताला लटका हुआ है, तो शौचालय खोलना चाहिए और इसके लिए साफ सफाई कर्मी भी यहाँ नियुक्त करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गंदगी है। चौथी बात ये है कि गंदगी ना हो इसके लिए डस्टबिन की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा था कि 5 तारीख को 4 से 5 डस्टबिन यहाँ रखे गए थे, लेकिन अभी उन डस्टबिन को शौचालय के अंदर ताले में लॉक करके शौचालय भी बंद कर दिया गया है और शौचालय के अंदर वो रखा हुआ है। अगर महिलाओं को जो है शौच के लिए जाना पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कहाँ जाती हैं? आपके घर के पास का मामला है, मैं आज की ही बात में बताता हूँ। आज एक औरत जो कि बाहर से आई थी बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैंने देखा यहाँ बैठी हुई थी और वो शौच के लिए परेशान थी, तो मैंने देखा उसे भटकते हुए, तो इस बस स्टॉप के पीछे छोटी सी गैलरी बनाई गई है, बस स्टॉप के पीछे बाउंड्री वॉल से लगी गैलरी है, वो महिला उस गैलरी में गई शौच किया और ये देखकर मैं देख ही नहीं पाया, मुझे बहुत बुरा लगा कि शौचालय बनने के बावजूद भी वो ऐसे खुले में शौच कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए, दुर्भावनापूर्ण है। तो माननीय विधायक जी माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा बस स्टॉप बनाया है। हाँ बस स्टॉप के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी चौकीदार प्रॉपर रेगुलर नियुक्त करें जो रेगुलर हो यहाँ पर। कितनी बसें आती हैं इस समय यहाँ पर? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ, करीब 4 से 5 बस आती हैं जो अलग अलग रूट पर जा रही हैं, और दिल्ली के लिए बस आती थी अभी प्रॉपर नहीं चल रही है, और बीच में गौरीगंज के लिए भी बस आई थी इस रूट पे, 3-4 दिन चली थी उसके बाद बंद हो गई थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि बल्कि सभी चाहते हैं कि प्रॉपर रूट पर बस हो जिससे कि आने जाने में दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, जिस चीज़ के लिए इस बस स्टॉप का लोकार्पण किया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ।